पास जो हमारी दुकानों को मजिस्ट्रेट साहब और फूड साहब आके सील किया गया, क्योंकि हमारा जुर्म यह था कि हम सस्ता गोश्त दे रहे थे, आवाम को रिलीफ में गोश्त दे रहे थे 750 रुपये में और 900 रुपये में साफ़ी गोश्त दे रहे थे, जो कि इन्होंने जो दिया हुआ रेट है 960 रुपये और 766 रुपये, जो कि टेंडर में कहीं पर भी 960 रुपये का तस्करा नहीं था। टेंडर हुआ है जी रमज़ान से, रमज़ान 19 मार्च को सिर्फ एक ही रेट का टेंडर हुआ था, तो 766 रुपये में ठेकेदार को ठेका मिला था, लेकिन रातों रात 958 रुपये असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से ठेकेदार को तोहफे में 958 रुपये का रेट नवाजा गया। इसके खिलाफ हम असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी गए, रिक्वेस्ट भी किया कि सर ये दूसरा रेट का ऑप्शन नहीं था, ना आपके इश्तिहार में है, ना आपके फार्म में है, ना आपके टेंडर में, लिहाजा इस रेट को ख़त्म किया जाए। ये हमारे साथ जाती है, ये जुल्म आवाम के साथ भी जाती है, हम ठेकेदारों के साथ भी जाती है, तो लिहाजा असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि कैलकुलेशन के हिसाब से दिया जाता है, कोई ऐसे कैलकुलेशन के हिसाब से बात नहीं हुई है। अगर जब भी दिया जाता है, जिस टेंडर में भी दिया जाता है, तो उसमें ऑलरेडी पहले फार्म में बताया जाता है, अगर फार्म में ना बताया जाता है तो जो फार्म टेंडर फार्म उठाते हैं, रिसीव करते हैं ठेकेदार हजरात, तो उनको बुलाकर बताया जाता है, आगाह किया जाता है कि भाई आपको कैलकुलेशन के हिसाब से रेट दिया जाता है। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये हमारे साथ जाती है, जुल्म है, आवाम के साथ भी जाती है, आवाम के साथ भी सरासर हमारे साथ जाती है। हम असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपनी फरियाद लेके गए, लेकिन अनसुनाई गई, हमारी बात नहीं सुनी गई। आला हकाम के पास भी गए, जे चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए, तो उन्होंने कहा कि इस रेट को ख़त्म किया जाएगा, और हुक्म को मानते हुए 766 रुपये में रेट रिलीज़ किया गया है। आप जनाब मार्केट में आज आए और 958-60 रुपये रेट चल रहा है, आपने ख़ुद पता किया हुआ है। तो आज हमारी रिक्वेस्ट जो है, हम सस्ता दामों में गोश्त बेचने के लिए हम तैयार हैं, 900 रुपये में भी बेचने के लिए तैयार हैं, 750 रुपये में भी अभी बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें बेचने नहीं दे रही, हमें मजबूर कर रही है। ठीक है, ये हमारे साथ जाती ना करे, या इस टेंडर को ख़त्म करे। अगर 766 में एक ही रेट में अगर काम होता है, ठीक नहीं होता है, तो इस टेंडर को मनसूख किया जाए, री टेंडर की तरफ ले जाए, अगर री टेंडर नहीं होता है तो काम ओपन किया जाए। शुक्रिया।